चलिए जरा 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 सा चलो आड़िया है इस दरगाह में सालेहाना वाबस्तगी और उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड की मुसलसिल 15 साल से जो सो वक्फ जायदादों के तहफ़ुज़ के सिलसिले में अभी वे मिलत जो नुमाइंदगियाँ करते आए हैं उसका बेहतरीन सिला यह है कि एक ऐसी जायदाद जो करोड़ों रुपये की जायदाद थी, बहुत सारे लोगों की नज़रें उस पर थी और वक्फ बोर्ड की लापरवाही, मुसलसिल कमेटी की कोशिश के बावजूद उसमें कमेटी को कामयाबी नहीं मिल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हबीब मिल्लत ने अपनी मौसर नुमाइंदगी के जरिए न सिर्फ उस मुकदमे में दरगाह कमेटी को कामयाबी दिलवाई बल्कि हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए उसकी हिसारबंदी करते हुए उसका तहफ़्फ़ुज़ किया और उसके बाद असम्बली में हालिया असम्बली में 20 करोड़ रुपये की लागत से उसको एक हमा मकसदी इमारत तामीर करके जिस तरीके से हिंदुस्तान में बहुत से आस्थाने हैं, गुलबर्ग शरीफ है, अजमेर शरीफ है, जहां पर आस्थानों से गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए तालीम और तरबियत का काम किया जाता है, हबीब मिल्लत की भी यही ख्वाहिश थी कि इस आस्थाने से भी इसकी आराजी पर गरीब कौम के लिए, गरीब उम्मत मुस्लिमा के लिए ऐसे इदारे कायम किए जाएं जिससे कौम तालीमी शऊर में इजाफा हो और कौम का मुस्तकबिल संवरे। इसी मकसद के तहत 20 करोड़ रुपये की लागत से हुकूमत को मजबूर किया गया और हुकूमत ने मान लिया कि 20 करोड़ रुपये के सरपे से अजीम कॉम्प्लेक्स बनेगा जिससे कौम के लिए, कौम के नौनिहालों के तालीमी संवारने का मौका मिलेगा। और आज हम दरगाह कमेटी हबीब मिल्लत का तह दिल की गहराइयों से गैर मकदम करते हुए आज एक मामूली छोटी सी अहमियत बात।